नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। सदर थाना क्षेत्र में जहरीली का सेवन कर एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। उपचार के दौरान उसके स्वास्थ्य में सुधार आया और कल घूम फिर रही थी, लेकिन आज तड़के उसकी मौत हो गई। पुलिस उसकी आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। हेड कांस्टेबल शंकर लाल के अनुसार धनेत कला निवासी शंकर लाल लोधा द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट के अनुसार उसकी पुत्री 17 वर्षीय मीनाक्षी सहित परिवार के लोगों ने 23 दिसंबर की शाम अपने घर पर खाना खाया और सो गए। इस बीच देर रात मीनाक्षी की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियां करते देखकर परिवार के लोग घबरा गए और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर आए। पता चला कि उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा था और रविवार को घूम फिर रही थी, लेकिन सोमवार तड़के 3 बजे इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर जहरीले पदार्थ के सेवन से उसकी मौत होना बताया। परिजनों के अनुसार मीनाक्षी बीए द्वितीय वर्ष की प्राइवेट स्टूडेंट थी और गांव के पास ही गणेशपुरा गांव में एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी। उसने अचानक यह कदम क्यों उठाया, स्कूली कामकाज को लेकर परेशान थी या किसी पारिवारिक कारण से क्षुब्ध होकर सुसाइड किया, पुलिस अब उसके कारणों की पड़ताल कर रही है। हेड कांस्टेबल शंकर लाल ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मीनाक्षी उम्र 17 साल, उसके पिताजी शंकरलाल, पिता रतनलाल जी जाति लोधा है, उम्र 44 साल, निवासी धनेत किला के रहने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि मेरी बच्ची 23 तारीख को खाना खा के सो गए थे और रात्रि करीब 11 बजे उठे तो चक्कर आ रहे थे, नीचे गिर गई, जिसको हॉस्पिटल लेके आए थे 23 तारीख को, जिसको आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। दौरान इलाज आज 25 तारीख को सुबह 3 बजे करीब मृत्यु हो गई, जिसका अभी पीएम कराया गया। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है।